अपाचे एक ऐसा नाम जो टीवीएस को इंडिया में पाव जमाने में मदद की। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि अपाचे आरटीआर 160 को क्यों लोगों द्वारा इतना पसंद किया जाता है, क्या इसके अंदर खास है, इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, इसके बारे में बात की थी उस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन हर एक गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टीवीएस अपाचे 162V या फिर 182V इन दोनों में क्या कुछ कमियां हैं। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, एक ही बॉडी टाइप के साथ में आता है, सिर्फ इंजन दोनों का चेंज है, तो इसी वजह से जो नेगेटिव्स है वो कुछ हद तक सेम है। तो अगर आप 162V या फिर 182V लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी बाइक आप लेते हैं तो उसके कमियों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो कमी आपको लगेगा, चाहे आप 162V की बात कर ले या फिर 182V की बात कर ले, वो है लुक। ना इसके अंदर कोई मेजर अपग्रेड है, ना इसके अंदर कोई नया एलिमेंट लगाया गया है, तो ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही पुराना दिखने लग गया है। 2020-2021 में नए मॉडल के बाइक आ रहे हैं, उसके सामने इसका लुक जो है वो बहुत ही सिंपल और पुराना लगने लग गया है। अब बाहरी लुक के साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक भी अब पुराना दिखने लग गया है। वही पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख देख कर बोर हो चुके हैं हम सब। अब बहुत सारे लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन अभी के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब ओल्ड दिखने लग गया है। और इसका जो क्लस्टर है इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिसिंग है, इस वजह से ये फीचर रिच भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि गाड़ी का जो लुक है वो अगर आप नया गाड़ी खरीद कर लाते हैं तो 2-3 महीने के बाद ये गाड़ी सेम एज पुराना दिखने लग जाएगा। आपको जो आई कैचिंग लुक मिलता है किसी दूसरे बाइक में वो आपको इस बाइक में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड और सबसे बड़े नेगेटिव के बारे में, जो कि है इसका वाइब्रेशन। अब आप 162V को ले लीजिए या फिर 182V को ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। BS4 के मुकाबले BS6 में हालांकि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कम हुआ है, लेकिन अभी भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील होते हैं। जैसे ही आप गाड़ी को 60 से ऊपर लेके जाएंगे वाइब्रेशन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, और 70-80 के बाद जो वाइब्रेशन आपको लगेंगे वो आपको थोड़ा इरिटेट करना भी शुरू कर देगा। अगर आप ग्लव्स पहन के चलाते हैं तो वहां पर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाली हाथ में चलाते हैं तो उस स्थिति में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आपको करने वाला है इसका वाइब्रेशन। 70-80 के स्पीड में फुटपैक्स और हैंडल बार्स में सीट में आपको बहुत सारे वाइब्रेशन महसूस होंगे, और इसी वाइब्रेशन के कारण बहुत सारे प्लास्टिक पार्ट्स जो है वो लूज होते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बहुत सारे प्लास्टिक पार्ट्स आपको आवाज करने लग जाएंगे 2-3 महीने के बाद। तो इन दोनों बाइक्स को अगर आप सिटी में चलाते हैं तो ज्यादा वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होंगे, क्योंकि सिटी में आप ज्यादा जो है गाड़ी को रेव नहीं कर सकते, आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपको लोग मिलेंगे, इस वजह से आपका जो स्पीड है वो 40-50 के बीच में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस बाइक को हाईवे में लेके जाते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। अब तीसरे नेगेटिव के बारे में अगर बात करें तो वो है इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी। जैसे ही इस बाइक को आप हाईवे में लेके जाते हैं, एक तो वाइब्रेशन होता है, दूसरा इसका हाई स्पीड में ये गाड़ी ज्यादा स्टेबल भी नहीं रह पाती। अब स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे ही आप गाड़ी को हाईवे में 90 की स्पीड में भगाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि गाड़ी थोड़ा शेक करने लगेगा। अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर है तो किसी के भी 162V या फिर 182V को लीजिए और 70-80 के स्पीड में चलाइए, और एक हाथ जो है क्लच वाले हैंडल जो है वो छोड़ दीजिए, देखिए गाड़ी आपका शेक करने लगेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छी तरीके से गाड़ी नहीं चलाना जानते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कोशिश कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। हालांकि ये प्रॉब्लम नया नया गाड़ी में नहीं आता है, जैसे ही आप गाड़ी को 20-30 हज़ार या फिर 40 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। हाई स्पीड में स्टेबल ना होने के इसके एक कारण है, वो कारण है कि वेट मैनेजमेंट गाड़ी के अंदर अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप अपाचे आरटीआर 162V या फिर 182V को देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो फ्रंट है गाड़ी का वो ज्यादा भारी है, रेयर जो है वो बहुत ही हल्का है। फ्रंट में आपको मैसिव टैंक मिलता है, पेट्रोल भी आप वहीं पर डालते हैं, इंजन आपको मिलता है। फ्रंट का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा हेवी है, और जहां पर पिलियन बैठता है वहां का जो सेक्शन है वो कंपेटिटिवली लाइट है। अब इस गाड़ी के अंदर अगर आप पिलियन को बिठाकर चलाते हैं तो उस स्थिति में हो सकता है शेकिनेस आपको थोड़ा बहुत कम लगे, लेकिन अगर आप सिंगल राइड करते हैं तो वहां पर शेकिनेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। चौथा जो इसका नेगेटिव है वो है इसका चेन पॉकेट जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी वेयर आउट हो जाता है। किसी भी अपाचे यूजर से पूछ के देखिए, उसका चेन पॉकेट 10-15 हज़ार किलोमीटर में ही वेयर आउट हो जाता है। अब इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि ये गाड़ी फन टू ड्राइव है, यानी कि इसका पिकअप बहुत ही बेहतरीन है, तो इस वजह से जो लोग इसे चलाते हैं वो इसे सडन पिकअप देते हैं, इस वजह से चेन के ऊपर ज्यादा झटका लगता है और उसी वजह से चेन पॉकेट ज्यादातर वेयर आउट होता है। अगर इसे आप संभाल कर चलाते हैं तब भी 15-18 हज़ार तक इसका चेन पॉकेट चलेगा, उससे ज्यादा इसका चेन पॉकेट नहीं चलता है दोस्तों। अब बात करते हैं फिफ्थ नेगेटिव की, जो कि है इसका टायर साइज को लेकर। इसके अंदर आपको लो प्रोफाइल रिमोरा का टायर
टायर मिलता है जो ना ही ज्यादा अच्छा ग्रिप दे पाता है ना ही स्टेबिलिटी दे पाता है। तो इसके साथ में जो टायर लगे हुए आते हैं वो ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अब चौथा और पांचवा जो नेगेटिव पॉइंट मैंने बताए हैं ये बेयरेबल है, यानी कि जो चेन्स पॉकेट वेयर आउट होता है उसको आप चेंज करवा सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको यहाँ आ सकता है कि इस चेन्स पॉकेट को आपको बार बार चेंज करना होगा 10,000 से 15,000 के बीच में। अब टायर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसे आप टायर को चेंज करके फिक्स कर सकते हैं। ये दोनों बेयरेबल प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी इन दोनों को नेगेटिव पॉइंट्स में ही जोड़ा जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो बेयरेबल नहीं है। इसके लुक को भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसके वाइब्रेशन इशू को भी फिक्स नहीं कर सकते, इसके हाई स्पीड स्टेबिलिटी को भी आप ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन इस पांच नेगेटिव को छोड़कर इस बाइक के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जो इसे आज भी 160cc सेगमेंट में एक किंग का दर्जा देता है। बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, खरीदते हैं क्योंकि अपाचे एक ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों यही थे टीवीएस अपाचे 162V एंड 182V के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले से वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गाड़ी ज्ञान कम्युनिटी के साथ में जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।